5.4 रैखिक संवेग लीनियर मोमेंटम। गति का प्रथम नियम हमें यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यह वेग में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल पर निर्भर होता है, पर वेग के परिवर्तन को हम कैसे पता करें? यदि एक तेज गति से फेंकी टेबल टेनिस की गेंद और एक क्रिकेट की गेंद आपसे आकर टकराए तो आपको किसकी चोट अधिक लगेगी? एक समान वेग से गतिशील साइकिल या ट्रक दीवार से टकराए तो ट्रक के टकराने से दीवार को अधिक हानि होगी। ऐसे कुछ और उदाहरण सोचें। क्रियाकलाप 4। एक बड़ी प्लेट लें, उसे गीली मिट्टी या रेत से भर दें। क्रिकेट के गेंद और प्लास्टिक के गेंद को एक समान ऊंचाई से प्लेट पर गिराएं। क्या होता है? क्या दोनों गेंदों का प्रभाव रेत पर समान होता है? यदि क्रिकेट के गेंद को भिन्न भिन्न ऊंचाइयों से प्लेट पर गिराया जाए तो क्या प्रभाव होगा? कब गेंद अधिक धंसती है? मेरे पास यहाँ पर क्या है? दो बॉल। ये कौन सी बॉल है? टेनिस की। आप लोग इसे क्रिकेट खेलते हैं ना? और ये एक बॉल है मेरे पास लोहे की। मैं सोच रही हूँ यदि दोनों बॉल मेरे पैरों पर गिर जाए तो क्या होगा? इस टेनिस की बॉल का दर्द तो मैं सह लूंगी, पर अगर ये लोहे की बॉल मेरे पैर पर गिर जाए तो तय है कि मेरे पैर की हड्डी तो टूट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास दो अलग अलग द्रव्यमान की बॉल है, इनके गिरने से हमें चोट कम या ज्यादा क्यों लगती है? इसे समझने के लिए हम क्यों ना इन्हें गिरा कर देखें? पर नहीं, मैं अपने पैरों पर तो इन्हें नहीं गिराने वाली। क्यों ना हम इसे एक ऐसी जगह पर गिराएं जहां पर हमें चोट भी ना लगे और इनके गिरने के प्रभाव को भी हम आसानी से देख सकें। तो चलिए हम इसे रेत पर गिरा कर देखते हैं। जब हम इसे रेत पर गिराएंगे तो हम इसके प्रभाव को आसानी से देख पाएंगे। शुरू करते हैं हम अपने टेनिस बॉल से, और इसके लिए इसे किस ऊंचाई से गिराना है इसका प्रयोग के लिए हम, आप देख सकते हैं इस रॉड में एक निशान हमने लगाया हुआ है, उस निशान से हम इसको गिराएंगे ताकि हमारी ऊंचाई में परिवर्तन ना हो। देखिए इस मार्किंग की हुई जगह से हम यहाँ पर इसी ऊंचाई का प्रयोग करके इसे गिराते हैं। अरे इसने तो बहुत ही छोटा सा गड्ढा किया है। चलिए हम इस गहराई को नापेंगे। तो चलो बच्चों, अब इसी प्रक्रिया को हम इस लोहे की बॉल के साथ करते हैं। ओ माय गॉड, देखो तो ये कितनी भारी है। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी हम इस छड़ की सहायता लेंगे और उसी प्रकार यहाँ पर इसे रख देते हैं। ये मार्किंग की हुई जगह इसी समान ऊंचाई से हम इस लोहे के बॉल को भी गिराते हैं। ये बॉल बाहर आ गई है, ठीक है। अब इस छड़ी की सहायता से हम इसे नाप लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने इतना नापा है इसे, और इस गहराई के नाप को हम मार्कर से निशान लगा देते हैं। तो बच्चों, अभी हमने दो अलग अलग भार की बॉल को रेत पर गिराकर देखा और रेत पर बनने वाली गहराइयों को नापा भी। टेनिस की बॉल से हमें जो गहराई प्राप्त हुई थी उसकी मार्किंग हमने यहाँ कर रखी है, और लोहे की बॉल से हमें इतनी गहराई प्राप्त हुई थी। इसे हम स्केल से नाप कर देख लेते हैं और इस अंतर को समझ पाएंगे। लोहे की बॉल से हमें रेत पर जो गहराई प्राप्त हुई थी उसका स्केल में हम मापन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 9.7 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम नाप लेते हैं जो कि हमें टेनिस की बॉल के थ्रू प्राप्त हुआ था। टेनिस के बॉल के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमने यह देखा कि दोनों बॉल में से जिसका भार अधिक था उसका रेत में हमें गड्ढा भी अधिक बड़ा प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो उसके संवेग को प्रभावित करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका संवेग भी अधिक मिलता है, इसलिए हमें अधिक भार वाली बॉल से रेत में अधिक बड़ा गड्ढा प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, हमने देखा कि जब हमने अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से रेत पर गिराया तो उसका प्रभाव अलग अलग था। हमें रेत पर अलग अलग गहराई के गड्ढे प्राप्त हुए जिसका कारण उनके संवेगों में परिवर्तन था। चलिए अब हम इस प्रक्रिया को एक ही वस्तु को लेकर करते हैं, लेकिन इस बार हम उसकी ऊंचाई अलग अलग लेंगे। हम इसे अलग अलग ऊंचाइयों से रेत पर गिराएंगे क्योंकि अब वस्तु एक ही होने के कारण हमारा द्रव्यमान समान रहेगा। इसे हम फिर से इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ दो जगह मार्किंग की हुई है, एक मार्किंग यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक बार हम इस बॉल को इस ऊंचाई से गिराएंगे और दूसरी बार इस ऊंचाई से, और उसका मापन कर लेंगे। देखते हैं, सर्वप्रथम मैं इसे इस ऊंचाई से गिरा रही हूँ। चलिए, बिल्कुल पहले की तरह हमें यहाँ पर भी बहुत बड़ा गड्ढा प्राप्त हुआ है और ये बॉल आधी धस गई है। इसे निकाल लेते हैं और अब हम पिछली प्रक्रिया की जैसे इस छड़ी का उपयोग करके इसमें मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस गड्ढे को मुझे इसकी इतनी गहराई प्राप्त हुई है और इसे मैं इस मार्कर की सहायता से निशान लगा दे रही हूँ। ठीक है, अब इसे हम स्केल से देख लेते हैं कि हमें कितना गहरा जो गड्ढा है वो प्राप्त हुआ है। तो पहली ऊंचाई से जो हमने डाला उसमें हमें गड्ढे की गहराई मिल रही है 8.7 सेंटीमीटर। अब इस प्रक्रिया को दूसरी बार करेंगे और अब की बार हम जो ऊंचाई लेंगे वो ऊंचाई होगी किसी पाइप में, ये जो मार्किंग हमने की हुई है ये, इससे हम इस बॉल को फिर से गिराएंगे। अब दूसरी जगह पे कर लेते हैं इसको। इस ऊंचाई से मैं इसे गिरा रही हूँ। देखो, आप देख सकते हो कि इस बार बॉल उतनी अंदर रेत में नहीं गई जितनी कि पिछले बार गई थी। इसका मतलब हमें जो गड्ढा इस बार प्राप्त हुआ है वो पहले की तुलना में थोड़ा कम गहरा है। चलिए, इसका भी हम मापन करेंगे। पहले बॉल को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और अपनी छड़ी का उपयोग हम फिर से करते हैं। ये देखिए, दूसरी बार जब हमने कम ऊंचाई से इस लोहे की बॉल को गिराया तो हमें यहाँ तक की गहराई वाला गड्ढा प्राप्त हुआ है जिसे मैं मार्क कर ले रही हूँ। और अब हम इसे स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर है। अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट की गेंद का प्रभाव अधिक है। दूसरी ओर से हम देखते हैं कि अधिक ऊंचाई से फेंकी गई गेंद अधिक वेग से रेत पर गिरेगी व रेत अधिक धंसेगी। मुख्यतः यह प्रभाव वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर निर्भर है। इसमें से कोई भी राशि समान परिस्थिति में बढ़ाई जाए तो प्रभाव ज्यादा होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का संवेग P उसके द्रव्यमान M और वेग V के गुणनफल से परिभाषित होता है, अर्थात P बराबर M इंटू V। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी परिमाण व दिशा दोनों होती है। संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होती है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है।